हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रॉयल टेक चैनल में। तो आज हम बात करने वाले हैं कुछ अपडेट के बारे में। तो आज ही के दिन एक नया अपडेट निकल के आया है दोस्तों, जो कि एक खुशखबरी होने वाली है दोस्तों आप सभी के लिए, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने, हमारे इंडिया की गवर्नमेंट ने दोस्तों, ध्यान से सुना, कि 43 चाइनीज ऐप्स को बैन कर दिया है, वो भी इंडिया में फिर से। मतलब कि पहले तो बैन किया था, उससे पहले भी किया था और अब भी किया है, तो मेरे ख्याल से एक अच्छी चीज़ होने वाली है। तो कौन कौन से किए हैं, किस कारण से किए हैं, ये सारी जानकारी इस वीडियो में दूंगा, तो वीडियो आखिर तक देखना दोस्तों। अगर चैनल पे नए आए हो तो चैनल को लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, और पुराने हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलें। चलो फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, एक बहुत ही अच्छा फैसला लिया गया है हमारे इंडिया की गवर्नमेंट की तरफ से कुछ ऐप्स को बैन करने का, क्योंकि ये अनिवार्य था। जब हम किसी देश के साथ आर्मी वाली वॉर नहीं लड़ सकते, तो उसके साथ बिजनेस वॉर तो कर ही सकते हैं, ठीक है, तो हमें भी इसका साथ देना चाहिए। तो सभी लोग गवर्नमेंट का सपोर्ट करना, क्योंकि चाइना आपको पता है कि फिलहाल क्या करने पे तुला है और क्या कर रहा है। तो दोस्तों, कौन कौन से ऐप बैन हुए हैं इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा, तो आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देख लो दोस्तों के कौन कौन से ऐप्स बैन हुए हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले आता है अली सप्लायर मोबाइल ऐप, दूसरा है दोस्तों अली बाबा वर्क बेंच, तीसरा अली एक्सप्रेस दोस्तों, इसके बाद है अली पे कैशियर, लाला मूवी इंडिया, इसके बाद है दोस्तों ड्राइव विथ लाला मूवी इंडिया, इसके बाद हमारा प्यारा और सबका प्यारा दोस्तों स्नैक वीडियो, जो कि आजकल बहुत ही चर्चा में चल रहा था वो वीडियो ऐप्स, ठीक है, जो कि टिकटॉक को टक्कर दे रहा था इंडिया के अंदर, जो कि इंडिया के अंदर टिकटॉक तो है नहीं, लेकिन उस लेवल में अभी ग्रो हो रहा था स्नैक वीडियो। इसके बाद है दोस्तों कैम कार्ड, जो एक बिजनेस काम रीडर है दोस्तों, फिर है कैम कार्ड BCR, उसके बाद है दोस्तों सॉल फॉलो मी सॉल फॉर फिंड यू दोस्तों, इसके बाद है चाइनीज सोशल फ्री ऑनलाइन डेटिंग ऐप। सबसे ज़्यादा दोस्तों इसके अंदर डेटिंग ऐप ही दोस्तों बैन हुए हैं, देखो दोस्तों डेट इन एशिया, इसके बाद है वी डेट डेटिंग ऐप, फिर है फ्री डेटिंग ऐप सिंगलो दोस्तों, फिर है एडोर ऐप, ट्रूली चाइनीज, ट्रूली एशियन, चाइना लव, डेट माई एज दोस्तों, एशियन डेट, फ्लर्ट विज, चैट विथ सिंगल दोस्तों, गाइज ओनली डेटिंग, ट्यूबिट लाइव स्ट्रीम दोस्तों, वी वर्क चाइना, फर्स्ट लव लाइव यानी सुपर हॉट लाइव, ब्यूटीज लाइव ऑनलाइन, भैया क्या नाम रखा है इन लोगों ने इसका। तो इसके बाद है दोस्तों रीला, कैशियर वॉलेट, मैंगो टीवी, फिर MGTV, फिर है वी टीवी, फिर है वी टीवी ड्रामा, और फिर है दोस्तों वी टीवी किडी ड्रामा और के ड्रामा एंड मोर, फिर है वी टीवी लाइट लक्की दोस्तों, ठीक है, जो कि एक बहुत ही अच्छी तो नहीं, लेकिन उसे ठीक ठाक ऐप्स कह सकते हैं, लेकिन हमारे डेटा किसी और की कंट्री में जाए ये हमें बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, इसलिए स्ट्रीमिंग ऐप। फिर है दोस्तों टबू और लाइव, डेटिंग टॉक, आइडेंटी वी, आई सोलो लैंड 2, बॉक्स स्टार, हीरोइज, यूलॉन, फिर दोस्तों हैप्पी फिनिश, जेलीपो मैच, पंचिक मैच, और आखिरी है दोस्तों कॉन्क्यूस्टा ऑनलाइन। तो दोस्तों, ये जो कुछ एप्लीकेशन थे जो 43 माने जाते हैं, जो गवर्नमेंट ने बैन कर दिए, खास करके इसके अंदर फालतू डेटिंग ऐप, जो आपको रातों रात डेटिंग यानी गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड दिलाने का वादा करती थी, ऐसी फालतू ऐप जो आपके पैसे लूटती थी, आपको गंदे गंदे ऐड दिखाती थी, आपके दिमाग को ख़राब करती थी और वक्त को भी, ठीक है, ऐसे एप्लीकेशन को बैन होना ही था, अच्छा हुआ हो गया। तो शुक्र मनाओ दोस्तों कि आप लोग बच गए हैं काफ़ी सारी चीज़ों से। तो जो भी डिसीजन लिया है अच्छा ही लिया गया है दोस्तों। अगर आपको अपडेट अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।